बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था सवेरे उठना। जैसा कि आपको पता है ये एक नज़म है, इसमें बताया हुआ है कि लड़का जो है वो सवेरे उठता है और सारा दिन खुश रहता है। कल हमने सफ़ा नंबर 56 की रीडिंग की थी, आज हम सफ़ा नंबर 57 की रीडिंग करेंगे। चलिए रीडिंग करते हैं। तारीफ खुदा की करते हैं, दम उसके कर्म का बढ़ते हैं। इसमें शायर बता रहे हैं कि परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह ताला की खूबियां बयान करते हैं, अल्लाह ताला की सफात बयान करते हैं और उसकी मेहरबानी का हर वक्त जिक्र करते हैं, उसकी मेहरबानी की तारीफ बयान करते हैं। वापस जब घर को आता है कुछ माँ के हाथ से खाता है। इसमें शायर बता रहा है कि जब लड़का वापस आता है तो अपनी माँ के हाथ से कुछ बना हुआ खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। खाने के बाद बस्ते को अपनी बगल में लेता है, अपने पहलू में लेता है और सीधा स्कूल की तरफ जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। दिन भर सारा दिन मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। जैसे कि आपको पता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो कामयाबी हासिल करता है, क्लास में उसकी नुमाया पोजीशन होती है। इसके बाद देखिए हम आज पढ़ते हैं अल्फाज मायनी है इसके, दम भरना, तारीफ करना, करम, मेहरबानी, वापस आना, लौटना, बखल, पहलू, दिन भर। इन तमाम अल्फाज को आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, लड़का बस्ता बगल में दबाकर कहाँ जाता है। लड़का बस्ता बगल में दबाकर स्कूल जाता है। प्यारे बच्चों इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अल्फाज जुमले। मैं आपको बताती चलूं कि अल्फाज जो है वो लफ्ज की जमा है और जुमले दो या दो से ऐसे ज्यादा ऐसे अल्फाज जिनका मतलब हमें आसानी से समझ आ जाए जुमला कहलाता है। जैसे है सब्जा, सब्जा बाग में हर तरफ सब्जा था। हमने अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। दूसरा है दम भरना, परिंदे हर वक्त खुदा का दम भरते हैं। नंबर 3 पे है मखमल, बाग में घास मखमल की तरह नरम थी। नंबर 4 पे है ताने उड़ाना, परिंदे ताने उड़ाते हैं। ताने उड़ाना यानी कि सुर में गाना, परिंदे सुर में गाते हैं। मेहनत, मेहनत में अजमत है। प्यारे बच्चों आपने अपना सबक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, पढ़ाई करनी है और अल्फाज जुमले आपने लिख के लाने हैं। शुक्रिया।